हाय दोस्तों, जो जो बंजर किसान चैनल में आप लोग को स्वागत है। सब लोग को नमस्ते। आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ नींबू का खेती का बारे में। ये देसी नींबू है, कैसा खेती करेंगे इसका, उसका बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने पहले से प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल कन आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर खेती का जानकारी आप लोग के पास पहुँच सके। प्लीज़ दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये देसी नींबू है, ये हाइब्रिड वाला नींबू नहीं है, ये देसी नींबू है। ये घर में आसानी से पौधा तैयार कर सकते हैं, आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये 2 साल का पौधा है, नींबू भी पकड़ा है। ये देख रहे हैं कितना सारा नींबू है। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो एंड तक बने रहिए। आज आप लोग को जानकारी देने जा रहा हूँ नींबू का पौधा कैसे तैयार करेंगे। आप लोग का छत का ऊपर भी तैयार कर सकते हैं, नींबू का बीज से भी पौधा तैयार कर सकते हैं। कैसा तैयार करेंगे उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये नींबू, अभी ये जो देख रहे हैं ये कच्चा है, इसमें ध्यान देंगे। जो पक्का नींबू है आप लोग को झाड़ में दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ये पक गया है, ये देख रहे हैं ये पक गया है। जो पका हुआ नींबू उसका बीज से भी पौधा तैयार कर सकते हैं, उसका डाली से भी पौधा तैयार कर सकते हैं। डाली में तो कैसा पौधा तैयार करेंगे उसका बारे में जानकारी पहले दिया हूँ, तेजपत्ता का जो वीडियो छोड़ा था पिछला वीडियो में। आज बताने जा रहा हूँ उसका बीज से कैसे पौधा तैयार करेंगे आसानी से घर पे। छत का ऊपर भी मिट्टी भर के, कोई भी बाल्टी में मिट्टी भर के भी उसका बीज से पौधा तैयार कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ये जो पक्का नींबू है जो आप लोग को दिखाया हूँ, नीचे गिरा है कोई पक्का नींबू, देखते हैं। ये देख रहे हैं ये पक गया है नींबू, ये नीचे गिरा है एकदम। ये देख रहे हैं ये पक के गिरा है, इसको क्या करेंगे, इसको फाड़ देंगे। आप लोग को दिखाता हूँ प्रोसेस इसको। अभी देखिए दोस्तों, ये अभी पक्का नींबू जो नीचे गिरा था काट लिया हूँ। एक नींबू काटेंगे तो कम से कम 15-20 बीज निकलेगा, उसका बीज कैसा लगाएंगे वो प्रोसेस आप लोग को बताने जा रहा हूँ। वीडियो एंड तक बने रहिए दोस्तों। और इसका पौधा तैयार करेंगे कैसा बीज लगा के आप लोग को जानकारी देने जा रहा हूँ, एंड तक बने रहिए दोस्तों। ये देख रहे हैं एक नींबू काटा हूँ मैंने, इसमें कितना बीज, कम से कम 15-20 बीज है, ये एकदम पक गया है। इसको कैसा लगाएंगे मिट्टी में जानकारी देने जा रहा हूँ आप लोग को। छत का ऊपर भी लगा सकते हैं, पहले बीज निकाल लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कितना बीज निकलेगा। ये देखिए अच्छी तरह से निचोड़ लिया हूँ, इतना सारा बीज निकला है। अभी इसको लगाने का प्रोसेस देखिए, आप कोई भी छत का ऊपर भी लगा सकते हैं, गार्डन में भी लगा सकते हैं, और 12 महीना नींबू आएगा। ये देसी वाला नींबू है, 12 महीना आपका झाड़ में नींबू आते रहेगा। ये कम से कम 8 महीने में नींबू देना चालू हो जाएगा, पौधा तैयार होने के बाद 8 महीने बाद नींबू देना तैयार हो जाएगा। इसका बीज कैसे लगाएंगे वो प्रोसेस दिखा रहा हूँ, हमारा तरफ रेती का मिट्टी है, कैसा लगाएंगे वो प्रोसेस भी दिखा देता हूँ आप लोग को। आप लोग छत का ऊपर भी बाल्टी में गोबर मिट्टी भर लेंगे, उसके बाद लगा लेंगे। मैं ये रेती का मिट्टी में बता रहा हूँ आप लोग को। ये जो बीज देख रहे हैं इसको देखिए, इसका मुंह देखेंगे, इसको कैसा गाड़ेंगे देखेंगे, तो मुंह अंदर करके ऐसा गाड़ देंगे, ज़्यादा अंदर नहीं गाड़ेंगे, हल्का हल्का गाड़ देंगे। ये देखिए आधा इंच नीचे कर देंगे, एक नींबू काटेंगे तो उसमें कम से कम 20-22 बीज निकल जाएगा। ये देख रहे हैं अभी तो ऐसा लगा दे रहा हूँ, उसका पौधा तैयार हो जाएगा तो उठा के अलग अलग जगह लगा सकता हूँ। आप लोग छत का ऊपर लगाएंगे तो चाहे एक बाल्टी में एक ही बीज लगाएंगे, मिट्टी गोबर भर के एक बीज लगा देंगे, एक से दो लगा देंगे, कोई बीज खराब चला जाता है 2 बीज लगा लेंगे। मैं एक ही जगह लगा रहा हूँ, ये बीज पौधा तैयार होने के बाद उठा के उसको अलग अलग जगह पर लगाने पड़ेगा।
ये देखिए एक ही नींबू काटा हूँ, उसमें कम से कम 20 बाई, कितना गिनती मार के आप लोग को बता देता हूँ, 20 बीज हो गया, 20 बीज निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मिस्टी ऐसा ढक देंगे, ढक देने के बाद इसको छोड़ देंगे 15-20 दिन छोड़ देंगे, ऐसा रहेगा। ध्यान देंगे मिट्टी अगर ज़्यादा सूख जाता है तो ऊपर पानी तो हल्का सा छिड़क देंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपना ग्रोथ लेना, ग्रोथ होगी झाड़ तैयार होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा। और डाली से कैसा पौधा, डाली से कैसा तैयार करेंगे, डाली से भी जल्दी होता है, नींबू जल्दी पकड़ता है। डाली से क्या करेंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो तेज़पत्ता का डाली से कैसा पौधा तैयार किया था वो लिंक आप लोग को दे दूंगा, वही हिसाब से डाली से भी पौधा तैयार हो जाता है, आप लोग डाली से भी पौधा तैयार कर लेंगे। अभी तो बीज में बताया हूँ। और इसमें दोस्तों देखिए ये नींबू देख रहे हैं, ये 12 महीना नींबू आता है, ये देखिए ये पक गया है। और इधर भी देखिए सारा, कितना सारा कच्चा है, और कोई कोई नया भी आ रहा है, ये दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए वो ख़त्म हो जाएगा तो ये भी चालू हो जाएगा, देखिए ये देख रहे हैं। ये देख रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा, मतलब एक झाड़ तैयार कर लेंगे तो घर के लिए 12 महीना आपको नींबू देना चालू हो जाएगा। आप लोग को उधर भी दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं उधर देखिए छोटा छोटा आया, देख रहे हैं। और प्लीज़ दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों।